मम्मा बहुत गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी काइट्स। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बच्चे तो घर में आइसक्रीम मांगते ही हैं, तो चलिए आज आइसक्रीम बनाते हैं। आज हम जो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए, 1.5 कप अमूल की फ्रेश क्रीम और 1 कप कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे बनाया है। घर का कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस यूज़ करूँगी, ये ऑप्शनल है। इसे मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बिना इसके भी बना सकते हैं और ये बहुत स्वाद बनेगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्रीम को बाउल में डालूंगी। इसे 1 मिनट के लिए हम बीटर से बीट करेंगे, आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्रीम बीट हो चुकी है, अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए फिर बीट करेंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डालेंगे। ये हमारी आइसक्रीम बन गई है, अब हमें इसे जमाना है। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में पोर करेंगे। चलिए इसी आइसक्रीम को एक नया रूप देते हैं, इसकी एक वेरिएशन बना के ओरियो बिस्किट्स के साथ। ये मैंने ओरियो बिस्किट का 10 रुपए वाला पैकेट ले लिया है, इसे मैं रोलिंग पिन की हेल्प से क्रश कर लूँगी। ये अच्छी तरह क्रश हो चुका है। ये क्रश्ड ओरियो बिस्किट अब मैं इस आइसक्रीम मिक्स में डाल दूंगी और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और फ्रिज में सेट करेंगे। ये हमारी दोनों तरीके की आइसक्रीम फ्रीजर में जाने के लिए रेडी है। इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके अब मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब ये फ्रीजर में जाने के लिए तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है। आइसक्रीम इज रेडी। यिप्पी।